गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है, क्योंकि आज मैं राइड करने वाला हूँ स्मॉल टाउन राइडर के साथ। स्मॉल टाउन राइडर जम्मू के एक बहुत ही फेमस व्लॉगर हैं। मैं उनकी वीडियोस 2-3 साल पहले से देखता था, जब उनके सब्सक्राइबर्स 1-2 हज़ार थे। तो मैंने उनकी जर्नी पूरी 1K से देखी है, और अभी उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अभी ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं घर से लेट निकला हूँ। सबसे पहले तो उनसे मिलता है, और उसके बाद आगे का शायद आज ब्रेकफास्ट राइड होगी हमारी। मीटअप लोकेशन पे पहुँचने का टाइम 9:30 था। मैं अपने से तो पूरा तैयार हो गया था, लेकिन पहाड़ी मॉम्स का तो सबको पता है, मैं जहाँ तो ब्रेकफास्ट राइड पर आ था, पर पहले घर पे पूरा हैवी ब्रेकफास्ट करवाया, तो वो करते करते लेट हो गए। तो माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि चाहे तुम ब्रेकफास्ट राइड पे जा रहे हो, जिस भी राइड पे जा रहे हो, घर से खाना खा के निकलना है बस। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा, इस चक्कर में मैंने पेट्रोल भी नहीं भरवाया। और ये हमारी मीटअप लोकेशन है, यहाँ पे तरुण भाई अभी तो पहुँचे नहीं, तो अभी उनका वेट करते हैं। ये अपनी हिमालयन, यहाँ पे पूरी धूल ही धूल हो रही थी इस साइड। मैंने सोचा आप लेट आओगे, तब तक ऊपर रुकता हूँ। अच्छा बस बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ क्या प्लान है, कहाँ चलना है? आप बताओ मेरे को, ज़्यादा नहीं पता जम्मू की लोकेशन से। यार फिर बड़ी हाईवे पे चलते हैं, जगह वहाँ चाय वगैरह पीते हैं। नंदनी? अच्छा अच्छा करण भैया बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ इंसान है। तो अभी तरुण भैया मेरी हिमालयन चला रहे हैं, और मैं उनकी RC 390, मैं पहली बार एक RC 390 चला रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा पावर फील हो रही है मुझे इसमें। तो रॉयल इनफील्ड के इंजन से KTM के इंजन में बहुत ज़्यादा ही नेचर में डिफरेंस है। KTM इंजन बहुत ज़्यादा रेव फ्रेंडली होता है, हाई RPM पसंद होता है, लेकिन रॉयल इनफील्ड के इंजन को कम RPM पसंद है। मुझे इसीलिए स्पोर्ट्स बाइक बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि इनको चाह के भी स्लो चलाया नहीं जा सकता। मतलब बाइक खुद बताती हैं कि इसे हाई रेव करो, ड्राइव करो। और एक तो इनका पोस्चर पूरा ही एक रिस्क पे आता है, मुझे ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगती। और ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा मस्त है इसकी, ब्रेक बाइट फ्रंट ब्रेक की बहुत ज़्यादा है। हिमालयन से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका ब्रेकिंग में। हिमालयन तो मेरे को स्लो स्लो चलानी पड़ती है, क्योंकि
कि ब्रेकिंग में थोड़ी दिक्कत है, ज़्यादा बाइक नहीं है इसके ब्रेक में, पर आरती तो बस दबाते ही रुक जाती है, झटका मारती है। तो अभी ट्रक अचानक से तेज़ से जाते तो आकाश भैया साइड हो गए। मुझे तो अपनी बाइक कोई और भी चलाए उसको दूर से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, कभी मेरे भाई चलाते हैं या जैसे अभी तरुण भैया चला रहे हैं तो मुझे देखने में भी बहुत सही लग रहा है। पूरे YouTube पे यही होता है हिमालयन वर्सेस डोमिनार पर। अभी आकाश भैया मेरी हिमालयन चला रहे हैं BS6 पहली बार और मैं अभी पहली बार डोमिनार राइड कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस है और पूरा ऑनेस्ट रिव्यू, एक डोमिनार राइडर क्या सोचता है हिमालयन के बारे में और एक हिमालयन राइडर को डोमिनार कैसी लगती है। डोमिनार में तो भाई इंसेन पावर है, मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, बस ऑफ कैमरा बातें की बहुत सारी। डोमिनार मैन्यूरेबिलिटी भी बहुत काफ़ी अच्छे से मैन्यूर हो जाती है, मैं जितना ज़्यादा इस डोमिनार को चला रहा हूँ उतना ज़्यादा इसको फैन बनते जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आ रही है डोमिनार की स्टेबिलिटी और पावर थ्रस्ट फील हो रहा है, फोर गियर में भी पुल करती है ये बाइक। और हिमालयन तो फोर्थ और फिफ्थ गियर में पूरी डेड हो जाती है। तो अभी बाइक फिर से एक्सचेंज हुई हैं, अब तरुण भैया चला रहे हैं, तो आकाश भैया लाइव भी मारते हुए। बहुत ही फ्लिकेबल बाइक है हिमालयन के मुकाबले, हिमालयन को मैन्यूवर करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। हिमालयन पे मेरा इतना ऑन रोड कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना डोमिनार पे आ रहा है, हालांकि ये मैं पहली बार चला रहा हूँ, अभी तो पूरी रोड बस कर्व्स और इंक्लाइन है, तो यहाँ पे तो मुझे पूरी बाइक का फील मिल जाएगा और बाइक के नेचर का पता चल जाएगा। मेरे हिसाब से हाईवे टूरिंग के लिए डोमिनार बेस्ट है और हिमालयन को बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा ऑफ रोड में। पर ब्रेकिंग में KTM RC390 को एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। गियर शिफ्टिंग भी बहुत स्मूथ है डोमिनार में, हिमालयन में फर्स्ट से सेकंड गियर बहुत ज़्यादा नॉइजी है और क्लंकी है, बाकी सारे गियर स्मूथ शिफ्ट होते हैं पर डोमिनार में हर गियर स्मूथली शिफ्ट हो रहा है और क्लच भी लाइट है। हिमालयन को ज़्यादा देर सिटी और ट्रैफिक में चलाओगे तो ऐसा लगता है कि गलती कर ली हिमालयन लेके। थैंक यू। आपको कैसी लगी? अच्छी, काफ़ी अच्छी है एक्चुअली।
तरुण भाई की बाइक से काफी अच्छी है, उनकी एक्चुअली पुरानी हो गई है ना, तो बाकी ये जिस काम के लिए वाली उसके लिए तो परफेक्ट है। हाँ, बाकी ऐसे तो कंपैरिजन नहीं है रोड पे और सिटी, सिटी में बहुत भारी लगती है ना, भारी लगती है, इवन की ये भी भारी लगती है इंजन। नहीं, मेरे को इसकी आदत हो गई, मेरे को ये बहुत लाइट लगी सिटी में वाली। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, फिर भी मेरे को भी अब थोड़ी हैबिट हो गई ना, तो ऐसे लगता नहीं है। बाकी मोस्टली ये तो बाइक बाहर चलाने के लिए, सिटी में कहाँ चलती है। तरुण भैया को अपने BS4 हिमालयन के कंपैरिजन में BS6 हिमालयन बहुत ही स्मूथ लगी और उनको बहुत अच्छी लगी है, और बोल रहे थे कि वो भी KTM बेच के यही वाली लेने का प्लान करेंगे, क्योंकि BS4 और BS6 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2-3 घंटे स्पेंड किए तरुण भैया के साथ, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की, उनकी पूरी जर्नी और स्ट्रगल का भी पता चला, क्योंकि ऑन कैमरा तो आप लोग देखते हो कि बस वो ऑफ रोड पे जाते हैं 4x4, बहुत ही मज़ा है, लेकिन जब शाम को घर आते हैं पूरे कीचड़ से भरे हुए, रात भर एडिटिंग करना, देर रात तक जागना, वो सब स्ट्रगल वीडियोस में नहीं दिखती। और मेरा आज का मेन मोटिव तो बस व्लॉग करना नहीं था, मैंने तो बस तरुण भैया से मिलना था और उनसे बस बातें करनी थी, और तरुण भाई से बहुत सारी बातें की। फ्यूचर में वो भी मेरे होम टाउन भदरवा आएंगे, फिर हम वहाँ पे घूमेंगे या और कोई लॉन्ग राइड। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं GoPro की बैटरी कब डेड हो जाए।